हैदराबाद में एनिमल प्रमोशनल इवेंट में महेश बाबू और रणबीर कपूर एक दूसरे के सबसे बड़े चीयर्स लीडर थे। रणबीर कपूर और एनिमल की पूरा कास्ट और क्रू देश भर में अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। चेन्नई के बाद एनिमल टीम ने हैदराबाद में अपना फिल्म प्रचार कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें महेश बाबू और एसएस राजमौली भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इवेंट में महेश बाबू ने खुद को रणबीर कपूर का बहुत बड़ा फैन बताया और कहा, मैं पहले भी जब उनसे मिला था तो उन्हें बता चुका हूं कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस गंभीरता से लिया है। मैं रणबीर कपूर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मानता हूँ कि वो भारत की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। महर्षि स्टार की इस बात को आरके को भावुक कर दिया। बाद में रणबीर कपूर ने भी टॉलीवुड सुपरस्टार की प्रशंसा की और कहा, आप पहले सुपरस्टार महेश बाबू थे जिनसे मैं मिला था। मुझे याद है कि आबाकाडू देखने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया था और उन्हें जवाब दिया था और सार का समर्थन करने के लिए मैंने आपको जितना धन्यवाद दो कम है। आरआर का निर्देशक ने आरके को अपना पसंदीदा अभिनेता भी बताया और कहा, बिना किसी हिचकिचाटी में आपको बताऊंगा, मेरा पसंदीदा अभिनेता रणबीर कपूर है। चेन्नई इवेंट के दौरान रणबीर ने खुलासा किया कि फिल्म का शीर्षक एनिमल क्यों है और कहा, मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी बांगा ने इस फिल्म को एनिमल क्यों कहा, क्योंकि जानवर अपनी प्रकृति से बाहर व्यवहार करते हैं, वो सोच समझकर व्यवहार नहीं करते। रणबीर कपूर ने कहा कि तो ये किरदार जो मैं निभा रहा हूँ वो अपने परिवार की रक्षा के लिए सहज व्यवहार करते है, वो ये नहीं सोच रहे है कि वो सहज भाव की व्यवहार कर रहे है, वो आबाग है और मुझे लगता है कि ये पर एनिमल शीर्षक आया। और एक बार जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये फिल्म इस शीर्षक पर फिट बैठा है। संदीप रेड्डी बांगा द्वारा निर्देशित एनिमल में अनिल कपूर, बबी देवाल और रश्मिका मंडल भी प्रमुख भूमिका में है। ये 1 दिसंबर को स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है।